इसको लोकल भाषा में बटलोई बोलते हैं हम। बटलोई बटलोई या पीतल का बर्तन है ये, बड़ा दाल का बनता है जिसके अपना धुली दाल बनी थी। हाँ। उसको भुगो के पीसते हैं, इसमें मैदा डालता है कुछ मात्रा में। ये है धुली दाल, यस मैम। ताबत उड़द की दाल, हाँ जी, यस गंडियाली। चुनाव और लोगों से बातचीत के अलावा हम आपको जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ के खाने के बारे में भी ज़रूर बताते हैं, मतलब थोड़े सस्ते से फूड ब्लॉगर भी हम बन जाते हैं। तो चूंकि हम हिमाचल आए हैं, बिलासपुर में हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ का जो सबसे फेमस है बिलासपुरी धाम, वो क्या होता है ज़रा उसके बारे में भी आपको बताएं। आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश जी यहाँ पर बिलासपुरी धाम बनाते हैं। राकेश जी ज़रा आप हमें बताइएगा कि पहले तो ये बताइए कि बिलासपुरी धाम ये नाम क्यों रखा गया? ये मैम धाम इसलिए है कि जैसे किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में जैसे कोई शादी होती है या पार्टी होती है तो ट्रीट देते हैं, जैसे ना दावत देते हैं, तो यहाँ की लोकल भाषा में धाम बोला जाता है उसको। दावत मतलब धाम होता है। यस जी, तो ये बिलासपुरी दावत है मतलब। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इस दावत में होता क्या क्या है? मैं दिखा देता हूँ अभी जो होता है आपको दिखा दूंगा। यहाँ कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें यही बनता है? यही बनता है, चेंज भी होता है, लेकिन अभी तो हमने जो बनाया हुआ ये बनता ही बनता है। इसके अलावा एड ऑन भी होता है, इसमें कुछ और चीज़ें भी एड ऑन होती है। हाँ जी मैम बिल्कुल, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये राइस साग है सर जी, ठीक है। ये यहाँ की फेमस है धुली दाल, इसके बगैर अनकम्प्लीट होता है हमारा कुछ भी, मतलब जो भी बड़ा फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, इसके बगैर अनकम्प्लीट है। यस यस, ये साबुत माँ है मैम। साबुत माँ कहते हैं? जी जी मैम। साबुत माँ क्यों कहते हैं? उड़द की है, साबुत उड़द की है ये। हाँ जी, ये मैम यहाँ का खट्टे चने हैं, इसके में दाग है, मतलब खट्टे चने हैं, इसको बोलते हैं, खट्टा मीठा होता है इसका टेस्ट। जी मैम जी, इसमें दाग हैं, ब्लैक चने हैं, ठीक है मैम। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैम, ये यहाँ की फेमस है, ये सीजनल होती है, हर टाइम नहीं मिलेगी आपको। ये गंडियाली होती है, ये पालक और दही में बनती है, मतलब अच्छा, ये एक गंडियाली है, कोलाकासिया, जो अरबी होती है उससे बड़ा होता है उसको गंडियाली बोलते हैं, इंग्लिश में कोलाकासिया हो गई है, ठीक है मैम। ये पालक और दही में बनेगा, ये मिलेगी 3 महीने, इसके बाद नहीं मिलेगी। कौन से 3 महीने? ये अभी नवंबर दिसंबर और जनवरी में। जी मैम जी जी। और मैम ये आ गया अपना कड़ी पकौड़ा, आ गया ये बटर मिल्क में बनाते हैं इसको, पकौड़े हैं इसमें। यस मैम बिल्कुल। और ये आ गया बूंदी का मीठा, लेकिन इसमें हम चेंज करते हैं, कभी कद्दू का होता है, कभी अच्छा। पपीते का होता है, ये बूंदी का मीठा आ गया मैम। यस मैम खाली। यस मैम, तो ये चावल और कढ़ी पकौड़ा और नहीं ये दाल, ये मतलब जैसे बोलते हैं किसी की शादी होती है सेहरा है, वैसे ही है बिलासपुर वाले की। अच्छा। यस मैम। नाम क्या बताया था आपने इसका? धुली दाल, इसको लोकल में धोतुआ दाल भी बोलते हैं। धोतुआ दाल, धुली दाल, धोतुआ दाल। ये बनेगी, जितनी दाल होगी उतने घी में बनेगी प्रॉपर। अच्छा। और इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। यस मैम, ये होती है माँ की दाल, ये माँ की दाल है, ये खट्टे चने, ये गंडियाली है, ये कड़ी है, ये मीठा है मैम। ये थाली वैसे आपके यहाँ किस रेट में? 120 रुपीज़ पर पर्सन, अनलिमिटेड है मैम। अनलिमिटेड है, अच्छा। तो हम पहले खाते हैं फिर जाकर दिखाएंगे कि ये बनती कैसे, आप हमें दिखाएंगे कि ये बनता? मैं बता दूंगा आपको कैसे बनती है। ठीक ठीक है, सबसे पहले ये धुली वाली दाल ही खाती हूँ जो बराबर घी में बनी है, जितनी दाल उतनी घी। मैं सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हूँ, फिर मैं एंड में बताऊँगी कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा। ये वाली माँ की दाल है, सब में मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल मिर्च है। जो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते उन्हें ये खाना पसंद आएगा। ये बहुत अच्छी है, बहुत खट्टी है। ये जो सीजनल वाली सब्ज़ी है भी बहुत बढ़िया है, हल्की खट्टी है, सबसे ज़्यादा टैंगी सा फ्लेवर, थोड़ा खट्टा सा मीठा सा। वाह क्या कढ़ी है, पंजाब की कढ़ी फेल है इसके सामने, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बहुत अच्छी कढ़ी है।
और सबसे ज़्यादा नंबर मैं इसे दूंगी, खट्टे वाले चने को, क्योंकि मुझे खट्टा टेस्ट पसंद है। और फिर ये धुली वाली दाल, जो आधे घी और आधी दाल जो सेम मात्रा में लेकर बनी है उसे। बाकी अमितेश खाएंगे, अमितेश बताएंगे कि उन्हें क्या पसंद आया। ये एक घंटियाली, इसको आप पील कर रहे हैं, इसके बाद इसकी कटिंग होगी, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये भाई साहब कर रहे हैं कटिंग। यस मैम। ये 3 महीने ही मिलती है, ये सीजनल होती है मैम। यस मैम। और बाकी सब उधर बन रहा है। यस मैम। बाकी तो सुबह तैयार कर दिया हमने, अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं डिस्प्ले में बता दूंगा कि किन में बना हुआ है। इसमें राइस बना रहे हैं। राइस बना। यस मैम। इसको लोकल भाषा में बटलोई बोलते हैं हम। बटलोई, बटलोई या पीतल का बर्तन है ये बड़ा, कई जगह कुछ बोलते हैं इसको, कई जगह। यस मैम। चावल बनते रहते होंगे ना? अभी वो धोए हैं, इसमें बन रहे हैं, उसमें बन चुके हैं। ठीक, आ जाइए, मैं दिखाई देता हूँ। ये तो मैं मीठा बनाया था हमने। अच्छा। ठीक है मैम। यस मैम। ये बूंदी का बना हुआ। यस यस यस, ये भी उस दाल का बनता है जिसके अपना धुली दाल बनी थी। हाँ। उसको भुगो के पीसते हैं, इसमें मैदा डालता है कुछ मात्रा में। अच्छा। फिर बनता है मैम। अच्छा। ये भी हमने कुछ बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। शाम के लिए यूज करेंगे हम इसको, ये वाला। ड्राई है। यस। फ्राई किया हुआ। यस यस मैम, शाम को ऑर्डर है उसके लिए बनाएंगे। यस मैम। शाम को ऑर्डर है तो उसके लिए जो ड्राई मटेरियल है वो तैयार करके रखा हुआ है। तो हर चीज इसी में बनती, इसी में बनेगी। हाँ जी मैम। ये देखिए मैम, ये है धुली दाल। यस मैम। पूरा घी का पता है। हाँ, घी है बहुत ज़्यादा। बराबर मात्रा में होता है और टेस्टी बहुत होती है। बाहर ले जाऊँ सर, बाहर दिखाऊँ क्या उजाले में? इसी में बनेगी, इसी में है। अच्छा, इसी में। ये देखिए मैम, साबुत उड़द की दाल, माँ की दाल। यस यस मैम, माँ की दाल। अच्छा। कितनी मात्रा में आप बनाते हैं रोज? मैम कभी 200, 400, 500 हमारे पास ऑर्डर होते हैं बाहर के लोगों के, वो डिलीवरी जाती है यहाँ से। कुछ रेस्टोरेंट में खाते हैं जैसे अभी आपने देखा। हाँ। कुछ बाहर जाता है खाना। कुछ बाहर भी जाता है। इसका खाना मैम पौष्टिक होता है, हाइजेनिक होता है। ये पुराने जमाने के बर्तनों में बनती है ना मैम? यस यस मैम। ये भाई थी। हाँ जी। यस, घंडियाली। तो ये सुबह शाम दोनों टाइम बनता? नहीं, वन टाइम। 11 बजे स्टार्ट होता है मैम। शाम को कितने बजे तक रहता है? कहीं पर 4 बजे खत्म हो जाता है, कहीं पर 5 बजे खत्म हो जाता है। ये खट्टे मीठे चने, इसमें डाला क्या-क्या? ये दाग है मैम, कई बार छुहारे भी डालते हैं, कई बार ड्राई फ्रूट का ही बनता है, कई बार आलू का बनता है, चेंज होता है मैम जगह के हिसाब से। ये कढ़ी पकौड़े आ गए सर, एक घर की लस्सी लाते हैं फ्रेश, उसमें बनाते हैं। तो आप कितने सालों से बना रहे हैं यहाँ पर? ये मैम मैं आपको बताता हूँ, हम बना रहे हैं इसको, हम तो 7 साल से बना रहे हैं, लेकिन हमारे पापा है श्री सदाराम शर्मा, वो 53 ईयर ओल्ड है, मतलब 53 उनको इस काम में हो गए, वैसे तो एज उनकी 70 ईयर हो गई। मैं उनका क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको थोड़ा ना। और ये कैसे, मतलब हिमाचल का ही पूरा ट्रेडिशन है या सिर्फ? ये मैं बताता हूँ, ये बिलासपुर का है, बिलासपुर की, मतलब जो आपने फर्स्ट वाली दाल देखी ये सिर्फ बिलासपुर में मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यस, जो एज एक्चुअली इसका टेस्ट होगा, बाकी बनाने को तो कुछ और डिस्ट्रिक्ट वाले भी बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये यहाँ की फेमस है। यस मैम। अच्छा, तो कोई बिलासपुर आए तो ये ज़रूर। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमें तो खा के बड़ा मज़ा आया, पेट भी भर गया, अमितेश ने भी खूब 2 बार लेकर खाया। आप जब भी बिलासपुर आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।